बाइक मेरे ख्याल से उससे बेहतर अभी तक बाइक देखी नहीं है। अभी जो इनकी सुजुकी महिंद्रा सुजुकी चल रही है, होंडा हीरो होंडा चल रही है, मेरे ख्याल से उनमें जो फ्लॉप आए थे ना वो भी उन्होंने कवर अप कर लिए हैं। उन्होंने फ्लॉप चीज़ को आगे बढ़ाया नहीं है, उन्होंने इसको डिज़ाइन को चेंज किया, यामा के डिज़ाइन को चेंज किया है, बहुत बेहतर किया, बहुत बेहतर किया। हम अभी भी वो CG125 फंसे हुए हैं, 70 फंसे हुए हैं, वो देखें पीछे पाकिस्तान का एंजॉय करते हैं, हमने ये बना टैलेंट देखिए यार, डांस भी एक टैलेंट है, आप मानते हैं डांस भी एक टैलेंट है? टैलेंट तो है, डांस भी है, टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान में उसको टैलेंट नहीं समझा जाता मादल के साथ। ये तो है, अरे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हो तो ये मेरे ख्याल से इम्पोर्ट करनी चाहिए, इम्पोर्ट करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? अच्छी है, उन्होंने बाइक बनाई है, वो करते हैं, तरक्की कर रहे हैं। अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो उम्मीद है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया की वज़ीर आज़म वज़ीर और सब अच्छी हैं, अच्छी आते हैं, अच्छी लोग हैं, तो उस इंडिया इस वजह से तरक्की करते हैं, इंडिया तरक्की करते हैं। हम उनसे दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? किसके साथ? इंडिया के साथ। जितनी हम उसकी तारीफें करते हैं कि इंडिया इतना आगे चला गया, इंडिया में हर चीज़ बनाई जा रही है, मेड इन इंडिया ये बाइक है, तो हम उनसे रिलेशन क्यों नहीं बेस्ट कर सकते? क्यों करेंगे हम इनके साथ दोस्ती क्यों? अगर हमें वहाँ से बिजनेस मिल रहा है तो हमें तो चाहिए, अगर हमारे नेबर हैं तो हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। नहीं, हम मुस्लिम मुल्क है, वो मुस्लिम नहीं है, हम इनके साथ नहीं करेंगे दोस्ती। पहले तो माफिया सबसे बड़ा, वो आप कोई भी इवन के जोंगशान जो कंपनी आ रही मानी थी बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान में, वो भी नहीं आई, इसी वजह से नहीं आई क्योंकि यहाँ पे माफिया बहुत बड़ा है, फ्लक्चुएट करती रहती है प्राइस, कभी अप डाउन, डॉलर हमारा स्टेबल नहीं है, करेंसी स्टेबल नहीं है, दैट्स व्हाई। फिर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से बकायदा इसको प्लानिंग के साथ फ्लॉप किया जाता है, कोई भी अगर आपके यहाँ आ जाती है ना न्यू कंपनी है, न्यू किसी इंडस्ट्री लगती है, उसको बकायदा प्लानिंग के साथ फ्लॉप करते हैं। देखा जाए ना तो पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, गलत पॉलिसीज़ के तहत हमें घेरा जा रहा है, और कोई मसला नहीं है, हमारे में पोटेंशियल ज़्यादा है और टैलेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक हो गया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म भी नहीं अच्छा और अलग रहम करे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम पाकिस्तानियों को इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी बाइक्स दिखाएंगे और उनका कंपैरिजन करेंगे और उनसे ये भी पूछने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में अगर ये बाइक होती तो इसकी क्या प्राइस होती और ये किस कंट्री की है। सो चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तारिक। क्या करते हैं? मैं प्रोफेशन से बेसिकली जॉब होल्डर हूँ। ठीक हो गया सर, आज आपको एक वीडियो दिखाने वाले हैं, उस वीडियो को देख के आपने गैस करना है कि ये किस कंट्री की बाइक हो सकती है और इसकी पाकिस्तान में क्या प्राइस है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बेसिकली इम्पोर्टेड बाइक में आती है और मिनिमम भी अगर इसकी वेज लगाएं, अगर कॉस्ट लगाएं आप, तो ये 40-50 के राउंड अबाउट है। अभी अभी इसका देखें सारा। सीसी कितनी है? 300। अगर 300 है तो ऑलमोस्ट इसकी कॉस्ट 20 के अराउंड आनी चाहिए। ठीक हो गया। मेरा तो दिल करता है ये चाहे तो मेरा मैं ये ले लूँ, पैसे जमा करके ये ले लूँ। कितने की? ये तो तकरीबन 1.5-2 लाख की। तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, 3-4 लाख का होगा तकरीबन। शायद आने वालों ने बहुत अच्छी बनाई है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, बिल्कुल माशाल्लाह। ये आपको किस कंट्री की लग रही है? इसलिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडिया की लग रही है, अगर बिल्कुल नहीं ये क्योंकि आजकल अफगानिस्तान में काफ़ी अच्छी बन रही हैं बाइक्स, मे बी उनकी भी हो सकती है। इंडिया की है, इंडिया की है। ये तो इन्होंने गैस कर लिया कि बाइक इंडिया की है। इंडिया में इसकी क्या प्राइस हो सकती है इस बाइक? इंडिया में तो बहुत कम होगी, अराउंड अबाउट 5 लाख मैक्सिमम, 4-5 लाख तकरीबन। इस बाइक की प्राइस है 3,50,000। काफ़ी क्लोज हुई। और ये 300 CC की है। और हम कभी ऐसी बाइक्स पाकिस्तान में बना सकते हैं? नहीं, मेड इन पाकिस्तान नहीं, माजो के साथ अभी तो। इधर यामा वाई बी आर मेरे ख्याल है 4,15,000-12,000 रुपये का आ रहा है, जो 125 CC है। यहाँ पर 1-5 की क्या प्राइस है? 2,60,000 रुपये। और ये देख लें, इस बाइक को देख के लगता है कि ये यहाँ पर होती तो क्या ही बात। बेसिकली यही है कि यहाँ पे बाइक इसलिए नहीं आ सकती कि कुछ हमारे लोग सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को, हम लोग ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहते।
अगर हम बाहर से भी इसको इंपोर्ट करके मंगवा लेते हैं तो इतना जरा टैक्स उस पर लग जाएगा। देखिए इलीट क्लास ही लेगा, नॉर्मल पर्सन का भी मिल लेंगे। इंडिया की इस तरक्की पर क्या कहेंगे, वो हर चीज़ को मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आपने बाइक देखी, जस्ट एक बाइक है, इससे मजीद इतनी खूबसूरत इतनी सस्ती बाइक्स इंडिया में बनाई जा रही है। तो वहाँ पर लोग कहते हैं अगर हम पाकिस्तानियों की बाइक देख लें तो हमें हंसी आती है, 70 सालों से हमने एक ही डिज़ाइन देखा है जो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। इसलिए क्योंकि हम लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। देखिए अगर बाइक को अगर हम मॉडिफाई कर देंगे तो उसकी स्पेक्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हम लोग एक मिसाल है ना, कोई भी चीज़ ले लें आप बढ़ने के लिए डिज़ाइन चेंज होगा, उसकी मैन्युफैक्चर चेंज होगा, अंदर से स्ट्रक्चर चेंज होगा, देन आप आगे मूव करेंगे, अदरवाइज़ इस तरह तो नहीं हो सकता। और जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करें तो कैसे आप आगे उस चीज़ को जो अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि यार ये चीज़ हमारे अंदर आनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पर भी अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें तो यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं बनाई जाती, ठीक है। यहाँ पर जितनी फैक्ट्री, जैसे सुजुकी की बात कर लें, उसको भी बंद कर दिया गया। यहाँ पर जितनी भी कार्स वगैरह बन रही थी वो भी बंद हो गई हैं, वो दोबारा बाहर चले गए जहाँ से वो आई थी। उनका कहना ये है कि यहाँ पर कोई ले तो रहा नहीं, इतना ज़रा टैक्स ऊपर डाल देते, इससे हमारी कंपनी को लॉस हो रहा है। और इसी तरह बाइक्स की भी बात कर लें, जो बाइक्स पाकिस्तान में खड़ी हैं उसको भी कोई नहीं ले रहा, वो वहाँ पर ही हैं। देखिए पहले तो माफिया सबसे बड़ा, वो आप कोई भी इवन के जोंगशान जो कंपनी आ रही हमारी थी बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान में, वो भी नहीं आई। इसी वजह से नहीं आई क्योंकि यहाँ पे माफिया बहुत बड़ा है, फ्लक्चुएट करती रहती है प्राइस, कभी अप डाउन, डॉलर हमारा स्टेबल नहीं है, करेंसी स्टेबल नहीं है, दैट्स वाई फिर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से बकायदा इसको प्लानिंग के साथ फ्लॉप किया जाता है। कोई भी अगर आपके भाई आ जाती है ना न्यू कंपनी है, न्यू किसी इंडस्ट्री लगती है, उसको बकायदा प्लानिंग के साथ फ्लॉप करते हैं। या वो प्लानिंग कौन करेगा? ये प्लानिंग हमने ही करनी है। अगर हम ही एक जैसे हो, एक जैसे चलेंगे तो फिर ही हो सकता है, वैसे कुछ भी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है कि कभी पाकिस्तान में मेड इन पाकिस्तान की कोई चीज़ बना सकता है, मेड इन पाकिस्तान उस पर लिखा हो? एनी आइडिया? आएगी लेकिन बंद हो जाएगी ना। एक चीज़ मुझे यहाँ से याद आई है कि लोग कहते हैं, मैंने तो कभी ना देखा है, सुना ही है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है, पानी पर चलने वाली गाड़ी बनाई गई थी, ठीक है, पेट्रोल की बजाय वहाँ पर पानी यूज़ हो रहा था, लेकिन वो बंदे को उठा लिया गया। नहीं मिलता वो दोबारा। जिस इंसान में ज़्यादा टैलेंट होगा उसको उठा लिया जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है कि अगर यहाँ पे सब कुछ बनना शुरू हो जाएगा तो फिर बाहर से क्या आएगा, इंपोर्ट क्या होगा? तो हमें तो अपनी कंट्री पे फोकस करना चाहिए। अगर यहाँ पर हर चीज़ हमें मिलती है, हर चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है तो हम पागल हैं, इतना ज़्यादा टैक्स लगा के बाहर से हम ले रहे हैं। देखिए उसमें माफिया का भी तो फायदा है ना, इंपोर्ट एक चीज़ होगी। हम अपने लोगों को फायदा नहीं दे रहे, माफिया को फायदा दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी इतने हैंडसम लड़के हैं, उनको भी चाहिए कि कोई अच्छी अच्छी डिज़ाइन बाइक्स हों। यहाँ पे 125-70 सीसी की बाइक्स हैं, उनकी इतनी स्पीड भी नहीं होती। अगर हम इंडिया की बात कर ले, वहाँ पे 300 सीसी, ठीक है, 700-800, इतनी हैवी, इतनी हाई मतलब कि सीसी की बाइक्स वहाँ पे चलती हैं। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे हमारे डिज़ाइन भी चेंज हो, एक ही बाइक पर बैठ बैठ के बोर नहीं इंसान हो? फनी वे में कहा जाए तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइडर है, इसलिए भी नहीं आती, जिस वजह ना अच्छू राइडर और चर्स पी के चलाने वाले राइडर ज़्यादा हैं। तो फिर वो रोड भी नहीं है ना, इस तरह के स्पोर्ट्स बाइक वाले रोड भी नहीं है। तो मतलब कि हम जिस भी तरफ चले जाएं तो हम यही कहेंगे कि यहाँ पर तरक्की की ज़रूरत है। खूबसूरत नहीं है पाकिस्तान, इतने खूबसूरत ऐसे भी ना कि सारी दुनिया आपको देख रहे हो, कहेंगे लो जो भी, खुद ही कह रहे हैं कि हम हैंडसम नहीं है, इतने खूबसूरत भी नहीं है। देखिए अगर बाहर से कुछ इम्पोर्ट करते हैं तो उनकी खूबसूरती चेक कर लें, हमसे तो काफ़ी बेहतर नहीं है लोग बाकी। अच्छा, इंडिया की इस अचीवमेंट पर क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, तो अगर तो हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों तो ये मेरे ख्याल से इम्पोर्ट करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? अच्छी है, उन्होंने बाइक बनाई है, वो करते हैं, तरक्की कर रहे हैं। अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक हो जाएं तो उम्मीद है तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अपने हमसाए से लेंगे, कम टैक्स में आएगी और इकोनॉमी भी हमारी अगर बेहतर होती है तो फिर तो, अगर हम यहाँ के पैसे की बात कर लें, यहाँ के 3 रुपये और इंडिया का 1 रुपया, अगर डॉलर्स की बात करें, बेसिकली हमारे ऊपर जो अफसर बैठे हैं ना वो ताल्लुकात सही करना चाहते ही नहीं है। आवाम हमारी चाहती है, इंडिया की आवाम भी चाहती है, लेकिन हमारे जो ऊपर हुक्मरान या ऊपर जो अदारे बैठे हैं ना वो चाहते ही नहीं है कि हम इनके साथ ताल्लुकात अच्छे करें। जो चीज़ मैंने देखी है ना रोड शो करते टाइम, पहले अगर हम आवाम से इंडिया के बारे में पूछते थे वो गुस्सा करते थे कि यार इंडिया की बात क्यों कर रहे हो, हम भी तो किसी से पीछे नहीं है, हम भी तो काम कर रहे हैं। लेकिन अब एक चीज़ देखिए, जैसे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपसे मैं इंडिया के बारे में पूछ रही हूँ, आप उनकी तरक्की को कह रहे हैं कि हाँ यार वो हर चीज़ अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हर चीज़ वो मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इकोनॉमी को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में वो ला दिया, और मोदी जी का ये भी आगे कहना है कि हम इसको 3rd पर भी लेके जाएंगे, तो वो दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है। अगर उसी के बरक्स हम अपने आप को देखें तो हमें हमेशा गलतियाँ नज़र आ रही हैं। दुख होता है यार कि वो हमसाया कहाँ चला गया, हम कहाँ। हर तरह से देखा जाए ना तो पाकिस्तान को घेरा जा रहा है,
गलत पॉलिसीज़ के तहत हमें घेरा जा रहा है, और कोई मसला नहीं है। हमारे में पोटेंशियल ज़्यादा है और टैलेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक हो गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बस कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म ही नहीं अच्छा और अलग रैम करे। एजुकेशन की यहाँ पे क्या सिस्टम है, एजुकेशन कैसे दी जाती है यहाँ के बच्चों? देखें मोस्टली स्किल पे तवज्जो नहीं ना है, देखो एजुकेशन तो वहाँ पे वहीं पे है, बिजनेस है, बिजनेस बनाया हुआ है यहाँ पे, जो भी आता है वो बिजनेस के हिसाब से करता है, पढ़ाई पे कोई फोकस नहीं किसी का भी। बहुत ही छोटी सी मिसाल दूंगा कि आपको कैमरे के बारे में पढ़ा तो दूंगा, देन अगर आपको फिजिकल यूज़ करना नहीं आएगा, उसके स्किल के बारे में पता नहीं लगेगा, तो आप फ्लॉप हैं। यहीं पर एक बात बताती हूँ, जब मैंने मैट्रिक एग्जाम्स दिए तो वहाँ पे मैंने कंप्यूटर की किताब तो ज़रूर पढ़ी है, वहाँ पे हर चीज़ बताई जा रही थी, लेकिन जैसे आपने बोला कि प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएगा, तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर में स्पेशली कंप्यूटर की क्लासेस ली हैं 3 मंथ, और फिर मैंने वो कंप्यूटर जाके सीखा है, तो क्या फ़ायदा वो एक कोर्स हमें पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका प्रैक्टिकल हमें नहीं बता। प्रैक्टिकल बींग प्रैक्टिकल, देखिए मैं एक बीकन हाउस के बच्चे को लेता हूँ ना, दो वो मुझसे फार देन नफ, वो मुझसे बहुत ऊपर है, ऐसे ही है। और अगर मैंने ग्रेजुएशन की है तो उसके बाद जाके मैंने कहीं जाके जॉब स्टार्ट की है, यानी कि मैंने 25 ईयर अपने वेस्ट कर दिए हैं, मैं अपने वालदैन के पैसों को मैंने आग लगा दी, और उसके बाद जाके मुझे 2 पेपर मिले और उनके एवज़ मुझे ये पता लगा कि हाँ उसका तो कोई फ़ायदा नहीं था। ऐसे अब मुझे 25,000 के एवज़ नौकरी करनी पड़ेगी, जो कि एक दिन की एवरेज नहीं बनती, 900 रुपये एवरेज बनती है, एक 900 की एवरेज में एक आम इस वक्त मिस्त्री भी 1500 से 1200 ले रहा है, यानी कि मैं आलमोस्ट उससे भी नीचे हूँ। ऐसे ही है। और मैं पढ़ा लिखा भी हूँ, मैं स्मार्ट भी हूँ उससे, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा लोग हैं वो पाकिस्तान में इस वजह से भी जॉब नहीं करते, कहते हैं हम इतना पढ़ लिख के 25,000-30,000 की जॉब पर जाएँ, तो बेहतर इससे यही है कि हम कोई फ्रूट की रेडी लगा लें, वो हमारा खुद का बिजनेस तो है। ऐसी है ना, देखें कोई भी बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, वो कभी भी ना हल्की जॉब क्यों नहीं करता, या एक मिसाल है वो रेडी क्यों नहीं लगाता, मेरी आप मिसाल ले लें, भाई की मिसाल ले लें, हम लोग क्यों नहीं लगाते कि हम लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, हमें पता है कि हमने अगर किसी के बिज़नेस को भी संभालना है ना, तो उसको हमें इतने अवेयरनेस है कि हम उसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं, ट्रेंडिंग के मुताबिक चलते हैं, हर चीज़ पता है, लेकिन यहाँ पर स्किल नहीं है। वीकन हाउस का बच्चा, आप इवन कि मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप उसको खड़ा कर देंगे ना, इवन के 4 साल के जो 4th क्लास का बच्चा है वो भी आपको अच्छी स्पीच दे सकता है, मुझसे बेहतर स्पीच दे देगा। वहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों को बताया जाता है, क्योंकि वो स्कूल भी बहुत हाई लेवल के, वहाँ पे गरीब लोग तो एंटर ही नहीं हो सकते। अब मैं गवर्नमेंट के स्कूल में चले जाएँ तो वहाँ पे तो आपको वाशरूम के लिए टूटी भी नहीं मिलेगी, ठीक है, टीचर्स ही नहीं होते, टीचर्स भी नहीं होते, और वहाँ से जो टीचर होते हैं वो माशाल्लाह वो इतने काबिल होते हैं कि उनके बारे में कह दूँ तो सुभान अल्लाह। ठीक है, अगर हम बाइक के टॉपिक पर वापस आते हैं, इंडिया जिस तरह से बाइक बना रहा है, ठीक है, अगर वो हम कार्स की बात कर ले, उनकी कंट्री में खुद की कारें भी बनाई जा रही है, 2-2.5 लाख में बेस्ट से बेस्ट वहाँ पर कार मिल जाती है, और बिना टैक्स के वो हर चीज़ को मेड इन इंडिया बनाते जा रहे हैं, तो हमारा नेबर इतनी तरक्की कर रहा है, हम लोग उनसे क्यों नहीं सीखते, कुछ क्यों नहीं करते, हमें मोदी जैसा लीडर कब मिलेगा? मोदी जैसा लीडर तो मिलेगा ही नहीं, पहली बात है। दूसरी बात, अहम बात यह है कि इतनी नाउम्मीदी गई है ना, 400 आपको कहना चाहिए था कि हाँ कोशिश करेंगे शायद मिल जाए, 804 अभी अंदर है, जिस दिन बाहर आएगा ना वो दिन पता लग जाएगा लोगों को। बात किसी की तरीफी नहीं है, लेकिन बस एज सीनियोरिटी पे कह रहा हूँ बात, के जो गलत है वो उसको गलत कहना चाहिए, जो सही बाइक को देखे कैसा लगा बस लास्ट पे ये। बाइक मेरे ख्याल से उससे बेहतर अभी तक बाइक देखी नहीं है, अभी जो इनकी सुजुकी महिंद्रा सुजुकी चल रही है, होंडा हीरो होंडा चल रही है, मेरे ख्याल से उनमें जो फ्लॉप आए थे ना वो भी उन्होंने कवर अप कर लिए हैं, उन्होंने फ्लॉप चीज़ को आगे बढ़ाया नहीं है, उन्होंने इसको डिज़ाइन को चेंज किया, यामा के डिज़ाइन को चेंज किया है, बहुत बेहतर किया, बहुत बेहतर किया। हम अभी भी वो CG125 फंसे हुए हैं, 70 फंसे हुए हैं, वो देखें पीछे पाकिस्तान का इंजॉय करते हैं, हमने ये बनाने टैलेंट देखिए यार, डांस भी एक टैलेंट है, आप मानते हैं डांस भी एक टैलेंट है? टैलेंट तो है, डांस भी है, टैलेंट है, लेकिन पाकिस्तान में उसको टैलेंट नहीं समझ आता मादरों के साथ। ये तो है, वीडियो देख के क्या लगा, ये किस कंट्री की हो सकती है पहले ये बताएं? ये तो मेरा लगा चाइनीज की हो सकती है। नहीं, आपको इंडिया का होगा तकरीबन। यस, कैसे आपने गेस किया कि ये बाइक इंडिया की हो सकती है? बस इंडिया की सब सिस्टम ऐसी है, वज़ीर आज़म सिस्टम, सब लोग अच्छी है, अच्छी अच्छी तरक्याँ करते हैं, तो बाइक के तकरीबन इसका होगा मेरी जहन से। आपके पास अभी कौन सी बाइक? मेरे पास बाइक नहीं है। आपके पास? मेरे पास होंडा 70 है। कितने की ली थी? तकरीबन 1,00,000 रुपए की ली थी। 1,00,000 रुपए की ली थी, और ये बाइक देख के आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। चाहते नहीं है कि ऐसी बाइक आपके पास भी हो? चाहता हूँ मैं, मेरे पास हो, ड्रीम बाइक है जी। वजह ये है, पाकिस्तान इंडिया की वज़ीर आज़म, वज़ीर और सब
अच्छी हैं, अच्छी आते हैं, अच्छी लोग हैं, तो उस इंडिया इस वजह से तरक्की करते हैं, इंडिया तरक्की करते हैं। हम उनसे दोस्ती क्यों नहीं कर लेते? किसके साथ? इंडिया के साथ। जितनी हम उसकी तारीफें करते हैं कि इंडिया इतना आगे चला गया, इंडिया में हर चीज़ बनाई जा रही है, मेड इन इंडिया ये बाइक है, तो हम उनसे रिलेशन क्यों नहीं बेस्ट कर सकते? क्यों करेंगे हम इनके साथ दोस्ती? क्यों, अगर हमें वहाँ से बिजनेस मिल रहा है तो हमें तो चाहिए, अगर हमारे नेबर हैं तो हम उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। नहीं, हम मुस्लिम मुल्क है, वो मुस्लिम नहीं है, हम इनके साथ नहीं करेंगे दोस्ती। अच्छा चलो, आप कह रहे हो कि वो मुस्लिम नहीं है, हमारे मुस्लिम लोगों के साथ कहाँ ताल्लुकात बेहतर हैं? सऊदीया की बात कर लो, वो भी हमसे खफा है, ईरान की बात कर लो, वो भी हमसे नाराज़ है, अफगानिस्तान की बात कर लो, वो तो हमको मुँह ही नहीं लगाता। ये वजह ये है, हमारी वज़ीर आज़म इधर, हम बड़े बड़े लोग, वो सब अच्छी नहीं है, वो सब गलती है नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ अच्छे काम नहीं करते हैं, हम अपनी बाइक के टॉपिक पर आते हैं, ऐसी बाइक पाकिस्तान में क्या लगता है कब बनेगी? ये तो कुछ नहीं पता क्यों बनेगी, जब मुल्क सेट होगा फिर ही बनेगी, तब बनेगी, इमरान खान वज़ीर आज़म होगा तो वो स्कूटर इधर बनेगा। इमरान खान जब था उसने अपने दौर में ऐसा क्या कर लिया जो लोग कहते हैं इमरान खान, उसने तो हर चीज़ में इतने ज़्यादा टैक्स लगा दिए, जो गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा महंगी हुई हैं वो इमरान खान के दौर में महंगी हुई हैं। जी नहीं, कुछ इमरान खान ने कुछ नहीं किया है, ठीक है, इमरान खान वज़ीर आज़म आए इस वक्त, सब मिल, सब सिस्टम, सब वजह नवाज शरीफ का था, तो इमरान खान की कोई गलती नहीं थी। देखें जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है, ये मानते हैं? जी जी क्यों नहीं, जी 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 इंडिया तरक्की कर रहा है, वो हर चीज़ मेड इन इंडिया बना रहा है। जी जिस तरह से अभी आपको मैंने बाइक दिखाई है, बाइक की वीडियो दिखाई है, इसकी प्राइस देख लो, पाकिस्तान में अगर ये बाइक होती है आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इसकी क्या कीमत होती है इस बाइक की? 3,50,000। 3,50,000 ये अभी मैंने आपको बताया, वो कोट करो कि 3 लाख, अगर वैसे बात करो, अगर मैं आपको इसकी प्राइस ना बताती मैक्सिमम, अगर ये बाइक इंडिया पता ही नहीं चलना था फिर भी कितने की हो सकती थी? वैसे तो कम ही पता चलना था क्योंकि पाकिस्तान को पता ही नहीं कि कितना रेट है कितना नहीं। आप बताएं कि ये इस बाइक की पाकिस्तान में क्या प्राइस हो सकती है? 5 लाख होगा। 5 लाख? 5 लाख। 1 to 5 की क्या प्राइस? 1 to 5 थी 2 लाख होगी। और वो कितने सीसी है? 125 सीसी, और इतनी बेहतर भी नहीं है, लोग कहते हैं जब रोड पे चलती है तो इतनी हल्की बाइक है कभी भी फिसल सकती है। जी जी जी, अगर इस बाइक को देख लें तो ये इतनी, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सस्ती है, और जितने खूबसूरत डिज़ाइन से इसको बनाया गया है, यहाँ पर हर लड़की की ख्वाहिश होगी कि यही हो। और अगर हम अपनी बाइक्स की बात कर लें, 77 सालों से मैंने एक ही बाइक देखी है, मॉडल चेंज होते हैं लेकिन डिज़ाइन वही है। जी जी, तो हमें क्या सीखना चाहिए इंडिया से? हमें सीखना चाहिए कि उनकी जो साइंसदान है वो अच्छी से तरक्की कर रहे हैं, हमारे लोग भी उनको देखकर सीखें। तो जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और पाकिस्तानी आवाम की बहुत ही ज़बरदस्त सी राय थी, उन्होंने माना है कि जो इंडिया है वो हर चीज़ को मेड इन इंडिया बनाता जा रहा है, बहुत ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में बताएं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।